आपकी आंखों के साथ रखे आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। अपने ग्राहकों की सेवा में 30 सालों से सेवारत विश्वास का दूसरा नाम नेत्रम ऑप्टिकल्स अग्रसेन चौराहा नौलखा इंदौर अब आपकी सेवा में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 9826553000 पर संपर्क करें। अवैध शराब के विरुद्ध थाना बेटमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र सिंह गौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो पिकअप में भरे भूसे के अंदर दो लड़के अवैध शराब लेकर धार से इंदौर की तरफ जा रहे हैं। थाना प्रभारी संजय शर्मा के निर्देशानुसार उनकी टीम द्वारा सूचना तस्दीक हेतु तत्काल कार्रवाई करते हुए बालाजी चौराहे के पास नाकाबंदी करते बोलेरो पिकअप में भरे भूसे के अंदर कुछ रख कर आते दिखे, जिन्हें घेराबंदी रोका। वो बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP19GA3254 के अंदर 44 पेटी देशी शराब, वो 16वां पेटी मसाला शराब, कुल 60 पेटी चीन के अंदर 3000 क्वार्टर 540 लीटर कुल कीमती 2,56,000 की शराब आरोपी राहुल पिता भुवान सिंह जाति राजपूत बनेडिया थाना सादलपुर धार व गणेश पिता छोटेलाल जाति बलाई थाना सागौर जिला धार को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ जारी है। देवालपुर से संवाददाता दीपक सेन की खास रिपोर्ट। कोरोना इंतजाम ड्यूटी के दौरान खबर मिली कि धार से इंदौर तरफ अवैध रूप से शराब का परिवहन बोलेरो पिकअप के द्वारा किया जा रहा है और पिकअप धार से इंदौर तरफ जाने वाली है। सूचना पर विश्वास कर तत्काल बालाजी चौराहे पर जाकर मैं स्वयं और हमारा प्रधान अधीक्षक अरविंद, कमलेश, मुकेश, नरोत्तम और देवगण को साथ लिया। उसी समय एक पिकअप वाहन धार तरफ से आता दिखा, जिसे रोका और चेक किया तो उसमें भूसा भरा हुआ पाया गया। भूसे को हटवाकर चेक किया गया तो उसके नीचे से 60 पेटी देसी दोबारा वो मसाला शराब की मिली, जिसके अंदर गाड़ी चालक राहुल पिता भवान सिंह राजपूत निवासी बनेड़िया का और हमरा गणेश पिता छोटेलाल बलाई निवासी सागौर का था, जिनसे शराब के परिवहन का लाइसेंस पूछताछ नहीं होना पाया गया। दोनों का अपराध 34(2) आबकारी के तहत दंडनीय होने से दोनों को साथ लेकर मैं शराब के थाने लाए, जिसकी वापसी पर कायम की गई। सर, इनके पूर्व में भी कुछ रिकॉर्ड है क्या? पूर्व में इनका आपराधिक रिकॉर्ड संबंधित थानों से बुलवाया जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोनों धार के निवासी हैं। सर, आपको सिंघम के तौर पर जाना जा रहा है, अभी तक लॉकडाउन के तौर पर सर आपने दौरान कितने मतलब की शराब के पकड़े हैं? अपने एक वर्ष की तैनाती में 10 प्रकरण 34(2) आबकारी एक्ट के बनाए, जो कि मेरे हिसाब से देहात में सबसे ज़्यादा किसी एक विवेचन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई होगी और निरंतर बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।